Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. अपना जेखाने जे आचे वेखाने पसे मरून अपना उनका बैठ जाए जहां पर खड़े हुए हरिबोल बैठ जाओ सब अरे सामने रखो ए हम लोग श्री गुरु वैष्णव के अनुगत में 84 करोड़ ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते हम जहाँ पर आए हैं ये जगपत्नी के स्थान कहा जाता है और भाद्रोल भी कहा जाता है। यहाँ पर स्वयं कृष्ण बलराम ब्राह्मणों के पत्नियों के पास भिक्षा करके यहाँ पर अन्न भोजन किया था, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है भाद्रोल भी कहा जाता है। ब्रज की भाषा में एक्चुअल भात कहा जाता है, चावल कहते हैं। आप लोग चावल खाया नहीं जाता है, वास्तव चावल जो होता है वो धाम से होता है, जब उसको बॉइल किया जाता है सिद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? भात कहते हैं। बोले हम चावल खा रहे हैं, चावल तो क्यों होता है? चावल तो जो आप गेहूं से क्या बोले धान होता है, धान से वो छिलका हटा देते हैं उसके चावल बाजार में बिक्री करते हैं। हिंदी भाषा में तो समझ में नहीं आते हैं, बोले बाजार से चावल खरीद के लाओ और फिर बोले चावल खा रहे, कच्चा चावल खरीद खाया जाता है, पक्का चावल खाते हैं। तो ये बहुत सुरम्य स्थान है जहाँ पर हम लोग आए हैं, ये बहुत सुंदर स्थान है। तो इस कथा प्रसंग सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के इस कथा भी सुनाया, बहुत सुंदर ये कथा है। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद की इस कथा है। जब एक बार कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ गोचारण करते करते जब यहाँ पर पधारे तो जोगमा की इच्छा से उस दिन सारे सखा लोग जो है अपने कलेवा लाने के लिए वो भूल गया, क्योंकि भगवान के आगे लीला करना है, भूल कोई थोड़ी जाता है। किंतु वास्तव रूप में जोगमा ने उनको भुला दी और दोपहर के समय होते जा रहे और सारे सखाओं कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हे बलराम, हम लोग के भूख लग रहे मनु पेट में चूहा क्या करे आप बताओ तो हम उनके भूख ला रहे कहां जाए क्या करे। तो उस समय कृष्ण कहने लगे देखो हम लोग निकट में आगे कहां जमुना के तट पास है, मथुरा के पास में आगे, यहां से मथुरा दूरी नहीं है, मथुरा वृंदावन की दूरी कितनी है आप बताओ, कौन बोल सकते हैं? मथुरा वृंदावन केवल दो उंगुली के बीच में जो एक रेखा जो है उसी का है, एक तरफ उत्तर मथुरा और इस तरफ वृंदावन, कोई कहते हैं 5 माइल, कोई कहते हैं 10 माइल, किंतु वास्तव रूप में मथुरा और वृंदावन के जो डिस्टेंस जो है एक रेखा है। जहाँ पर आप लोगों ने श्रवण किया यह पर ब्रजनंदन कृष्ण और रोहिणी नंदन बलराम यह पर रह गए और अपरूप रथ पर बैठ करके उनके जो प्रकाश विग्रह मथुराधीश कृष्ण और देवकी के पुत्र जो है वो मुहे पर चले गए। ये समस्त कथा हमारे आचार्य पाद ने बहुत सुंदर रूप में दिखाई, गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत है। तो आइए कथा में हम जो यहाँ पर आए हैं ये मथुरा वृंदावन के बहुत दूरी नहीं है, इसलिए कृष्ण बलराम गोचारण करते नंदगांव से यहाँ पर आ गए, बहुत दूर आ गए। बोले जब हम इतने दूर आ गए तो लौट करके कैसे जाएंगे, भुख तो दोपहर के समय हो। तो उस समय देखा दूर में देखा क्या निकट में मथुरा के ब्राह्मण लोग स्वर्ग प्राप्ति आदि के लिए अर्थात स्वर्गीय सुख प्राप्ति करने के लिए वो लोग यज्ञ कर रहे फायर से कर रहे थे। कृष्ण बताओ कहने लगे देखो यहाँ पर ब्राह्मण लोग बहुत उदार होते हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की धर्म होता है ना दान लेना और दान देना, जजन जय अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के 6 प्रकार कर्म होता है। से जाओ ब्राह्मणों के पास जाओ वो लोग जरूर तुम लोग के भोजन कराएंगे। और उस समय ब्राह्मण लोग जागृत ब्राह्मण लोग यज्ञ करने के लिए बैठे और यज्ञ तो पूरा हुआ ही नहीं उस समय और ये ग्वाल बाल जा करके कहने लगे हम लोग के भूख लग रहे हैं हम लोग के भोजन प्रदान करें। उस समय वो ब्राह्मण लोग जागृत ब्राह्मण लोग सखा कृष्ण के सखाओं के गुरु कहां से आ गया गांव के, अभी हम लोग ठाकुर जी के भोग ये नहीं लगाया भोग ही नहीं लगाया
और यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई, क्योंकि सच में जब पूर्णाहुति नहीं हो तब पूरा यज्ञ नहीं होता है। इसलिए उन्होंने डट फटका दिया, जब ये से जब सब ग्वाल बन के भगा दिया। तब उस समय समस्त सखा लोग आकर के कृष्ण बलराम के कहने लगे, देखो जागी ब्राह्मण लोग तो पूजा कर रहे थे, कुछ हम लोग नहीं दिया, लौट कर क्या। उस समय कृष्ण कहने लगे, देखो ये पुरुष लोग होता है, इनके हृदय थोड़ा कठोर होता है, ये काम करो, संग भगवान कहने लगे जाओ, उनके पत्नियों के पास जाओ, अर्थात जागी पत्नी के पास जाओ, स्त्रियों की हृदय बहुत कोमल होता है। ये देखो पुरुष के हाथ में जैसे 2 रुपया निकले ना, स्त्री के हाथ में ज्यादा कितने पैसा निकलेगा, 50 रुपया निकलेगा। ये जहाँ पर होता है ना, देखो ये साबिक होता है, घर के जो है देखा जाता है, पुरुष लोग पैसा देना नहीं चाहते, क्यों कमाते हैं ना, वो कमाने में कितना कष्ट हो जाते हैं, सीधा घर में रहती है उसके थोड़ी है, बोले जा दे जा पुण्य में कर देता हूँ, हमारी पुण्य तो रह जाता है पूरा ही। अब ब्राह्मण जो पुरुष लोग पुण्य करते हैं उसके तो आधा पत्नी ले लेती है, तो इसलिए ब्राह्मण लोग कहने लगे जाओ ये सब। तो भगवान कृष्ण कहने लगे जाओ उनके पत्नियों के पास जाओ और जरूर रोकते, क्योंकि जब भिखार जो जिसको भूख लगता है भोजन के लिए, फिर लज्जा करना नहीं चाहिए। आज सुनिए, यदि भूख लगे तो कहीं तो करना ही पड़ता है, लज्जा छोड़ कर तो कैसे मर जाओ। इसमें भगवान कृष्ण सखा के बोले जाओ उनके पत्नियों के पास जाओ, और जब पत्नी के पास गए और इतना ही कहा जे कृष्ण बलराम निकट में है, यहाँ पर सुंदर एक बगीचा था जिसे कहा जाता है अशोक वाटिका भी कहा जाता है, बहुत सुंदर सुंदरम में ये प्रदेश भी था। एक्चुअली कृष्ण इसी स्थान पर जो है दिवाभाग में दिन में गोचारण आदि करते थे, और रात में यहाँ पर अनेक प्रकार जो है मधुर से मधुरतम लीला आदि भी करते थे। ऐसे भी हमारे जीव कृष्ण पाठ की टीका में सब वर्णन है बहुत सुंदर। तो जागी पत्नीगण इसने सुना, कृष्ण बलराम की तो कथा सुना, महात्मा से सुना, किंतु वो लोग कभी दर्शन नहीं किया। जब ये जब सखाओं के मुख से जब सुना, ग्वालवाल के मुख से कृष्ण बलराम आए हैं कृष्ण दर्शन के लिए, वो लोग बहुत उत्कंठित हुए। और ठीक उसी समय ये वो लोग अर्थात जागृत पत्नियां जो है स्त्रियां जो है वो जग के पूर्ण हाथ के लिए अनेक प्रकार मिष्टान्न आदि पकवान आदि बना करके लेट हुए जा रही, और इतने समय समय सुना जो कृष्ण आए। देखो कृष्ण के बहुत दिन तक उन्होंने स्मरण करने लगे, कृष्ण दर्शन करने लालित हुए, और जब कृष्ण बलराम से साक्षात आ गए तो वो लोग ने किया कि वही जो जितने पकवान आदि भोजन आदि बनाया था वो सब लेकर के यहाँ पर पधारे, और आकर के सखाओं के पास साथ और कृष्ण बलराम के जो भोजन कराया, उससे भी सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन करते हैं जाकी पत्नियां जो कृष्ण के इतने रूप में कीर्तन आदि करने लगे। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के रूप वर्णन में 3 श्लोक विशेष है, ये गोपियों के द्वारा जो है कृष्ण के रूप वर्णन हुआ, इस कथा तो बहुत सुंदर है। और दूसरी जो है ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति भी उसमें वर्णन है कृष्ण के इतने सुंदर, उसमें क्या नौमी से इस श्लोक के द्वारा कृष्ण के भी सुंदर रूप माधुर्य भी वर्णन किया गया। और तृतीय श्लोक जो है ये जागृत पत्नी के द्वारा कृष्ण के रूप वर्णन कर दिया है। सुखदेव का सही बात कर रहे हैं महाराज परीक्षित, वास्तव रूप में कृष्ण के रूप कैसे, कृष्ण जब वृंदावन में रहते कृष्ण के रूप माधुर्य क्या है। इसे तो गोपियां स्तुति में भी कहते, माथुर रमणीय भी कहते, मथुरा के स्त्रियां भी कहते हैं, चाद होने अब होने ने मथुर प्रलेप प्रेम छाय धना के प्रेम छाय छनाद और गायंती चैनो अनुरक्त धियो सुरकंठ। जब कृष्ण वृंदावन में विराजमान होते हैं तो कृष्ण के रूप माधुर्य क्या है, क्योंकि वृंदावन के कृष्ण वृंदावन के जो माधुर्य रूप माधुर्य वो किसी के लिए वर्णन करना संभव है।
इतने सुंदर जो रूप, तथापि यहाँ पर जो माथुर क्या बोलते हैं जागी पत्नियों पत्नियों के द्वारा जो कृष्ण की स्तुति करते हैं परमार, कितने सुंदर रूप वर्णन करते जा रहे हैं। इसके पश्चात ये समस्त जो है कृष्ण के भजन, कृष्ण सखाओं के भजन भोजन कराया, और इसके बाद कृष्ण उस माथुर ब्राह्मणी के क्या बोले हम जागी ब्राह्मणी के कहने लगे, देखो आप लोग लुट करके जाए, क्योंकि कृष्ण दर्शन के पश्चात कोई घर में संसार में लुट करके नहीं जाना चाहिए। देखिले नयन हेरे केहो नहीं घरे फिरे गृह रो संसारी जेगो हाय सर्वनाश। भगवत दर्शन करके कोई संसार में लौट करके जाएंगे, इसलिए भक्ति स्थान से प्रभुपाद कहते हैं, लिखते हैं, जब वृंदावन के लिए जाना हो तो वृंदावन जाने के लिए कैसे जाओ, वन वे टिकट खरीद करके जाओ, किंतु जब हम लोग क्या करते हैं टू वे टिकट खरीद करके ले आते हैं, इसलिए भगवान हम लोग के दर्शन नहीं देते। हम लोग के पास सबके पास कितने टिकट है, रिटर्न टिकट है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सचिव प्रभुपाद भी लिखते हैं जब तक तो हम रिटर्न टिकट लेकर के वृंदावन में जाते हैं वो भगवान हम लोग के दर्शन नहीं देते। जब हम वन वे टिकट लेकर के जाएंगे तो भगवान दर्शन। तात्पर्य क्या है, हम गृह भी रहते हैं, गृह में आसक्ति भी रखते हैं और भगवान भी दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए ब्रज की भाषा में कहते हैं एक तलवार में ना एक म्यार में दो तलवार नहीं रह सकते। हम भगवान भी दर्शन करें और संसार भी आसक्ति रखें तो कैसे हुए, एक ही जो आसक्ति तो भगवान में रहे अच्छा तो है नहीं, दोनों में कैसे होगा, ये हो गई एक आशा राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजे नाता छोड़ दे, और सीताराम सीताराम कहिए भाई, ये तुलसीदास जी कहते कि नहीं कहते, हम तो कहेंगे नहीं, कृष्ण भी भजन करेंगे और संसार भी भजन करेंगे, संसार भजन कृष्ण भजन दो साथ में एक नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए तो कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मानेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा च, तो सब धर्म के छोड़ वृंदावन। तो इसलिए किंतु यहाँ पर देखो इसके बुद्धि खराब हो गया, बोले सब लोग आज से कैसे हो गए, अरे कितने लोग है वही तो कहते हैं लोग कहते हैं सब लोग बाबा जी बन जाए तो संसार में बच्चा पैदा कैसे होगा, संसार कैसे चलेगा, कहते कि नहीं कहते, सब ब्रह्मचारी बन जाए सन्यासी बन जाए तो क्या होगा, लड़की में शादी कैसे होगी, तो बताओ सब गोपियों के साथ भी कृष्ण जब बंसी बजाई, गोपियां जब वृंदावन में राक्षस तिर में बजे, कृष्ण भी उसी प्रकार दो श्लोक एक ही है देखा जाता है, कृष्ण भी गोपियों की कहने लगे ये आप लोग जाता बल आप लोग घर में लौट करके जाए अपने पोती सेवा की करें। स्वयं भगवान कृष्ण भी जागीर पत्नी के भी कहने लगे आप लोग घर में जाइए, तो कहे हम लोग घर में जाए तो हम लोग पोती लोग हम लोग शिकार नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे जाए, तो भगवान कहने लगे ये देखो आप लोग घर में जाओ, मेरे जब मैं के द्वारा आप लोग आपके किसी प्रकार विघ्न नहीं होगा, आप लोग घर में लौट करके जाए पति सेवा आदि करें। तो उस समय ब्राह्मणी लोग जागी पत्नी तो ब्राह्मणी जो है वो समस्त जो है घर में लौट करके गए, और यहाँ पर जब घर में लौट करके आए तो देखो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बात कहते महाराज बड़ी की ये जागी पत्नियां जब लौट करके ब्राह्मणी जब लौट करके आई तो उनके ब्राह्मण लोग श्रीमद् भागवत में उनको प्रणाम करने लगे, क्यों वास्तव ब्राह्मण लोग समय अपने आप अनुशोचना कर पश्चाताप करने लगे, ये देखो स्त्री जाति है इनके उपद्वित संस्कार नहीं है, हमारे श्री गुरुदेव बामन कृष्ण महाराज यहीं पर कहते हैं स्त्रियों के तो उपवित नहीं होती है, कोई कहता है जबरदस्ती हमें उपवित करना चाहिए, ब्रह्म गायत्री मंत्र जप भी करना चाहिए, हमारे गुरुदेव महाराज गुरुदेव इसको खंडन करते भागवत के इस श्लोक के द्वारा श्री गुरुदेव इसके भी खंडन करते हैं, स्त्रियों के लिए ब्रह्म गायत्री जप करना और जग उपवित पहनना ये शास्त्र विधि नहीं निषेध जारी है, हमारे गुरुदेव बामन कृष्ण महाराज इसको कहते थे, बोले बहुत लोग कहते हैं जो स्त्रियों के लिए कहां माना है भागवत में यही स्पष्ट करे, कहते देखो वही पर करे इन लोगों के तो संस्कार भी नहीं हुआ,
उपवी संस्कार नहीं हुआ। देखो सच्चा पर ब्रह्म भगवान को कैसे प्राप्ति कर लिया। उस समय समस्त ब्राह्मण लोग अपने पत्नियों के जय सादर के आनंद सादर के साथ उनके ग्रहण किया। ये थोड़ी सी एक सिद्धांत भी हमारे आचार्य पास देते हैं। ये जागृत पत्नियां तो कृष्ण के समर्पित कर दिया, क्यों भगवान उनको क्यों ग्रहण क्यों नहीं किया है, भेज के लिए। और गोपियों के लिए भी कहते हैं, गोपियों के भी कहते भगवान कहने लगे तुम लौट करके जाओ, किंतु गोपियां लौट करके नहीं गई और भगवान अंत में उनको शिकार किया और रास दे दिया। तो जागी पत्नी के साथ रास क्यों नहीं किया, थोड़ा एक सिद्धांत हमारे जीव को सही पास भी देते हैं, सिद्धांत देते हैं भाई। यहाँ पर कहते हैं कृष्ण गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। ये चैतन्य चैतामृत में ये सिद्धांत दे रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण गोप जाति है, क्योंकि भगवान एक ऐसे ये नियम श्रृंखला जो बनाया, वर्णाश्रम धर्म जो बनाया, उस वर्णाश्रम धर्म के स्वयं भगवान भी क्या किया, उसके सम्मान दिया। इसलिए भगवान कहते हैं मैं गोप जाति हूँ। मर्यादा एक मर्यादा का ही उल्लंघन है, मर्यादा उल्लंघन कभी भक्ति नहीं है, मर्यादा उल्लंघन नहीं हो जाए, नष्ट ना हो जाए। इसलिए भगवान इसमें दिखाया ये ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, वर्णानां ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर्ण में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मण की पत्नी हमारे भी तो गुरु 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 माता भी लगते है, गुरु बहन लगते है, तो उनके साथ विवाह कैसे होगा वा उनके साथ ऐसे शारीरिक कार्य कैसे होगा। इसलिए स्वयं भगवान ये पर भी कहते हैं कृष्ण गोप जाति गोपी बिना अन्य का अन्य ना करे अंगीकार। कृष्ण में एक विशेष वैशिष्ट है, जब तक ब्रज में जन्म होना चाहिए, मथुरा में जन्म होने से आपको नहीं होगा, कहां जन्म लेना पड़ेगा, वृंदावन में, और वृंदावन में कहां, गोप जाति में, गोपियों के एक गृह में वो जन्म लेना पड़ेगा। गोप शरीर जब तक नहीं हो, गोपी शरीर जब तक प्राप्ति नहीं हो, तब तक कृष्ण आपको शिकार नहीं करेंगे। इसलिए स्वयं भगवान छल से कला से कौशल से जिस किसी भी प्रकार से वो ब्राह्मणी के यह पर लुटा दिया, ये जाओ अपने पति सेवा आदि करो और इसी के द्वारा आपके सब कुछ प्राप्त हो गए। इसलिए ये सिद्धांत देते हैं, वास्तव सिद्धांत ये है। इसलिए जीव जब भजन करते करते जब अपने सिद्ध देह की अनुभव कर लेते हैं, गोपी देह जब प्राप्त कर लेते हैं, तब उस साक्षात रूप में भगवान जानी वृंदावन संपन्न रास लीला में प्रवेश के योग्य बन जाए। जब तक भजन में गोपी देह प्राप्त नहीं करे तब तक नहीं। इसलिए हमारे आचार्य उपाध भी कहते हैं गोपी देह भजन, गोपी देह हम कैसे प्राप्ति करें। इसलिए सन्नाथ मंत्र में गोपी मंत्र भी दिया जाता है, उसी के द्वारा ही हम कैसे प्राप्ति करें। बंशा कृपा सिंधु ज्ञान शलाक्षर तस्में मान करने पर मिले।